नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई ओमान से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ओमान से इंडिया से भी फ्लाइटें हैं ओमान के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और ओमान से भैया इंडिया के लिए भी फ्लाइटों का शेड्यूल है लगभग, तो आजकल अभी फ्लाइटों का इतना शेड्यूल का कोई चक्कर रहा नहीं। आप सबको पता है, सीधा बुकिंग करवाओ आ जाओ। बाकी फिर भी कुछ लोग होते हैं बेचारे जिनको नॉलेज नहीं होता, कम पढ़े लिखे होते हैं वगैरह वगैरह, तो उनके लिए भाई ये वीडियो शायद हेल्पफुल हो सकता है। तो इसलिए मैं सोचा चलो हम वीडियो फ्लाइट से रिलेटेड बना देते हैं। कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं साथियों। ओमान में तो कोरोना की अगर बात करें, लगभग 28 अगस्त की बात करें तो 85,000 केस अभी तक ओमान में आए हैं। जी हाँ, उसमें डेथ की बात करें तो मात्र 650 लोगों की अभी डेथ हुई है कोरोना की वजह से। जो लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, 650 की संख्या आई है अभी तक। भाई लगभग 80,000 के करीब रिकवर हो चुके हैं, तो इतना कोई है नहीं। 80,000 के करीब रिकवर हो चुके हैं, तो 5,000 का आंकड़ा है जो नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर है, तो ठीक है अभी कुल मिला के। फ्लाइट से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं भाई, स्क्रीन पे आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ लीजिए। 1 सितंबर की बात करें, अभी 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है। जी हाँ साथियों, 1 सितंबर को बता दूं मस्कत से फ्लाइट है चेन्नई के लिए। जी हाँ, आगे 1 सितंबर को फिर फ्लाइट है मस्कत से लखनऊ के लिए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 3 सितंबर को फिर मस्कत से फ्लाइट है साथियों कन्नूर के लिए। जी हाँ, 4 सितंबर को फिर एक फ्लाइट है मस्कत से बॉम्बे के लिए, तो भाई बॉम्बे वाले देख सकते हैं। 5 सितंबर को फिर एक फ्लाइट है कोची के लिए, मस्कत से कोची के लिए। 5 सितंबर को फिर एक फ्लाइट है मस्कत से त्रिवेंद्रम के लिए। 6 सितंबर को फिर एक फ्लाइट है मस्कत से दिल्ली के लिए। दिल्ली का मतलब है मान सकते हैं यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये फ्लाइटें इसमें आएंगी भैया, ठीक है। 6 सितंबर फिर एक फ्लाइट है साथियों मस्कत से कैलिकुट के लिए, सिलिकुट के लिए। जी हाँ, 7 सितंबर का फिर एक फ्लाइट है मस्कत से बेंगलुरु, मंगलुरु दोनों का कॉमन है इसमें। 8 सितंबर को फिर एक फ्लाइट है मस्कत से लखनऊ के लिए। जी हाँ, 8 सितंबर को फिर एक फ्लाइट है मस्कत से चेन्नई के लिए। जी हाँ, 8 सितंबर को फिर एक फ्लाइट है साथियों मस्कत से हैदराबाद के लिए। 9 सितंबर 2020 को मस्कत विजयवाड़ा के लिए फ्लाइट है। 9 सितंबर फिर एक फ्लाइट है मस्कत से तिरुचुपल्ली के लिए। जी हाँ, 10 सितंबर को फिर एक फ्लाइट है साथियों मस्कत से कन्नूर के लिए। 11 सितंबर त्रिवेंद्रम के लिए है। 12 सितंबर मस्कत से बॉम्बे के लिए है। 13 सितंबर है मस्कत से कोची के लिए। 14 सितंबर मस्कत से बेंगलुरु, मंगलुरु। 14 सितंबर दिल्ली के लिए है। 15 सितंबर हैदराबाद के लिए है। तो आप समझ सकते हैं साथियों, ये इतनी फ्लाइटों का शेड्यूल है। दिल्ली की लगभग 3 फ्लाइटें हैं भाई, बाकी कोई भी स्टेट का फ्लाइट नहीं है। यूपी के लिए फ्लाइट है। जी हाँ साथियों, एक यूपी का फ्लाइट दिया है, बाकी कोई राजस्थान वगैरह कोई फ्लाइटें नहीं है। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक 21 फ्लाइटों का शेड्यूल है, जिसमें राजस्थान में एक भी फ्लाइट नहीं है। आपको भाई दिल्ली उतर के ही यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ, चार्टर फ्लाइटें हो सकती हैं या फिर कोई फ्लाइटों में बदलाव हो जाए तो हो सकता है। बाकी बस ये अपडेट थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।